सो हाय गाइस, मैं अनीत बाग स्वागत करता हूँ फिर से मेरे एक नए ब्लॉग पे। तो आज दोस्तों सुभद्रा का तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत तेज़ बुखार है, 104.5 ऐसा बुखार है उसको। और कल मैं डॉक्टर के पास लेके गया था, दवाई लेके आया हूँ और अभी दवाई जो है वो मैं कंटिन्यू दे भी रहा हूँ। नाश्ता खिला के सुबह दे दिया था दवाई, तो अभी फ़िलहाल दवाई खिला के ये बाहर धूप में बैठा दिया हूँ। तो मैं गाइस अभी मंदिर जा रहा हूँ और यहाँ का ये रास्ता देख सकते हैं, बारिश का वजह से पूरा कीचड़ हो गया है रास्ता जो है। तो मैं अकेले जा नहीं सकता था क्योंकि पूजा का जो सामान था वो मैं अकेले बाइक चलाऊं या फिर सामान लेके जाऊं, इसीलिए मैं गोलू को बोला कि चल थोड़ा मेरा साथ में, तू ड्राइव करना और मैं सामान पकड़ूंगा। तो गोलू भी उसका काम था, लेकिन हालांकि वो निकल गया और मैं और गोलू दोनों जा रहे हैं मंदिर अभी। फिलहाल अभी गाइज मैं पहुँच चुका हूँ ये चौकीपाड़ा, और ये जो आप देख रहे हैं ये चौकीपाड़ा का दुर्गा पंडाल है जो कि अभी डेकोरेशन हो रहा है, हुआ नहीं है। और पूजा को और 5 दिन बचा है, ये 3-4 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा। अभी गाइज मैं पहुंच चुका हूं यहां चौकीपाड़ा का जो मंदिर है, तो यहां ये हैंडपंप में जल्दी से पैर धो के मंदिर चलते हैं और दर्शन करते हैं। तो हवा चलने का कारण गाइज दिया जो है मैं जला नहीं पा रहा था ठीक से, बार बार जला रहा था और फिर हवा चल रहा था उसीलिए बुझ जा रहा था, उसीलिए फिर से जला रहा हूँ मैं अभी। तो आज गाइज ये मंदिर जो है वो खाली था, उतना भीड़ नहीं था, उसीलिए मैं आराम से अभी यहाँ पर पूजा कर रहा हूँ। और यहाँ अभी दर्शन करने के बाद दूसरा मंदिर यहाँ आमने सामने में, ऐसे बहुत सारा मंदिर है, करीब 5-6 मंदिर है। तो यहाँ दिया जलाने के बाद मैं दूसरा मंदिर भी जाऊँगा दर्शन करने के लिए। तो घर का कुछ पूजा का सामान लेके आया हूँ गाइज, मैं जैसे ही पूजा ख़त्म करूँगा, पूजा ख़त्म हो जाने के बाद मैं उसको जाके फिर विसर्जित करना पड़ेगा पानी में। तो यहाँ पे पूजा ख़त्म होने के बाद गाइज मैं अभी यहाँ आ गया ये मंदिर पे, और यहाँ भी अभी थोड़ा समय दर्शन करूँगा। और दर्शन करने के बाद बैक साइड में और एक दो मंदिर है। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो गाइज लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो वहां से फिर मैं गाइज मंदिर से चले जाऊंगा फिर घर, और घर से मुझे फिर मेडिकल स्टोर भी जाना है क्योंकि मेडिकल स्टोर में टोटल जो है 4 टाइप का मेडिसिन लिखे थे डॉक्टर, लेकिन 3 टाइप का मिला और एक टाइप का जो है वो मैं अभी लेके ही जाऊंगा। तो फिलहाल घर जाऊंगा, घर से फिर मेडिकल स्टोर आऊंगा मैं और तब जाके मेडिसिन लेके जाऊंगा घर। तो पूजा अभी ख़त्म हो चुका है गाइज, और अभी मैं घर के लिए निकल रहा हूँ। तो घर पहुँचने के बाद ये मिलिए कान्हा कन्हैया से, दोनों अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं ये बबली का जो बेटा है
भांजा यहाँ पर अभी खेल रहे हैं। तो भांजा जो है गाइज ज़्यादा परेशान करते नहीं हैं, वो अपना मस्ती में ही खेलते रहते हैं। चाहे पानी का ग्लास हो या बोतल हो, कुछ भी पकड़ा दो, वो अपने हिसाब से खेलते रहते हैं। तो अभी यहाँ पे सना भांजी जो है वो खेलने गई है, अगल बगल के जो बच्चे लोग हैं उनका साथ में। यहाँ देखिए ये खेल रही हैं सना भांजी, और उनको उनका मम्मी जब बुलाई तो यहाँ आके दरवाज़ा के पास खड़ी हुई हैं। घर बुला रही हैं लेकिन जा रही नहीं। तो डॉक्टर बोले कि ये वायरल फीवर है, करीब 3 से 4 दिन जितना भी दवाई खाने से ये बुखार जो है वो रहेगा, और आप 3-4 दिन कंटिन्यू दवाई खिलाओ, उसका बाद ही थोड़ा सा तबीयत में सुधार आएगा, ऐसा बोले हैं डॉक्टर।